नोकिया D1C के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो नोकिया के लिए वेटिंग कर रहे हैं, नोकिया के फैंस हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। 3GB रैम का फ़ोन और एंड्रॉयड 7 पर रन करेगा और 16 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा है। गाइस दोनों भी कैमरास फ्रंट एंड बैक 1080 पर रिकॉर्ड करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है गाइस। और उतना ही नहीं, यहाँ पर 5.5 फुल HD और स्नैपड्रैगन 830 पर रन हो रहा है और क्वालकॉम ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 1.4 GHz स्पीड है, एड्रीनो 505 GPU है और 3GB रैम है। 3GB रैम है, लेकिन ये रैम DDR4 पर DDR3 पर क्या है वो नहीं मालूम है। इंटरनल GB तो 16GB है और 9GB आपको स्पेस मिल जाएगा। उतना ही नहीं और कुछ, हाँ उतना ही गाइस स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो प्राइस कितना होगा ये तो मालूम नहीं है, लेकिन हम देखेंगे तो 430 चिपसेट इन्होंने रखा है, तो इसके हिसाब से तो नियरली 15,000 से 10,000 के बीच में हो जाएगा फ़ोन। और एंड्रॉयड 7 पर रन हो रहा है, फुल HD स्क्रीन है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, कॉर्टेक्स A53 पर ये बना हुआ है, तो अच्छा होगा मेरे हिसाब से। और ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, क्वालकॉम्स एड्रीनो 505 और 3GB रैम में 2.8GB और 9GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस फ्री मिलेगा। उतना है गाइस। और ये इमेज गीक बेंच टेस्ट मार्क में बाहर आया था, तो मैंने इसका रिव्यू देने के लिए सोचा तो आपको बता दिया है। तो गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको ऐसे ही लीक्स लेकर आता रहूँगा। ये लीक बाहर आकर भी कुछ ही घंटे हुए हैं, 5 घंटे 4 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो सोच लिए मैं आपके लिए ऐसे ही लीक से लेकर आता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।